मेरा बेटा कहाँ है अभिमन्यु? तुमने कहा था ना सुबह कि नाश्ता करके मेरे घर ले आओगे। अक्षरा अभिमन्यु हुए अभीर के लिए परेशान, अभीर हुआ किडनैप। बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। वेल, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि अभिमन्यु जो है अभीर अक्षरा को बिल्कुल दूर नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अभीर हमेशा अपनी माँ और अभिनव से मिलता रहे, जिसके लिए यहाँ पर सभी लोगों ने एक पिकनिक प्लान की है। और इसी बीच अभिमन्यु अक्षरा को कॉल करके कहता है कि हम सब बस अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभीर भी जल्दी से रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम तुम्हारे पास आते हैं और हम फिर चलेंगे एक अच्छी खासी पिकनिक पर। जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये बात मंजरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मंजरी कहती है अभिमन्यु से कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अभीर बार बार जो अभिमन्यु से मिलता है। मुझे ना अक्षरा का अभीर को इस तरह उदयपुर के बाहर ले जाना ठीक नहीं लग रहा। और साथ ही अभीर का जो है उदयपुर से बाहर जाना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। इसी बीच अक्षरा ये सारी बातें सुन लेती है और अक्षरा को बुरा लगता है कि मंजरी बार बार उसके और बेटे के बीच में आ जाती है। जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अक्षरा परेशान है कि अभीर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा, और अक्षरा आ जाती है अभिमन्यु के घर पर। जैसे ही अभिमन्यु आता है तो अक्षरा उससे बोलती है कि मिस्टर अभिमन्यु बिरला, मेरा बेटा अभीर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि नाश्ता करने के बाद उसे मेरे घर छोड़ दोगे, तो आखिरकार अभी तक मेरा बेटा मेरे पास क्यों नहीं आया? जिसे सुनने के बाद अभिमन्यु भी परेशान हो जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा अभीर किडनैप हो गया है या मंजरी ने उसे कहीं छिपा दिया है। कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।